हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जनरल स्टडीज विद श्रद्धा। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीएस की ट्रिक। ये ट्रिक है, देखो, मुगल साम्राज्य का शासनकाल, ये जो मुगल साम्राज्य का शासनकाल था उसकी ट्रिक है ये। मुगल साम्राज्य का शासनकाल पूछा जाता है ना, मुगल साम्राज्य का शासनकाल, मुगल साम्राज्य में कितने शासक हुए थे, कौन कौन से थे, उसी की ट्रिक है ये। तो देखो, बस ये है भाई साहब, ये याद हो जाएगा ना, भाई साहब आसान है। तो इसकी देखो ट्रिक देखते हैं हम। भाई और साहब, यस ए बी, भाई साहब, इसकी ट्रिक देखो। देखो बी, और हाँ, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, 1526, ठीक है। देखो बी से बाबर, एक मिनट, ये हो गया बी से बाबर। इन्होंने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में, ठीक है, 1526, पानीपत की लड़ाई भी 1526 में हुई थी, ओके। और उसके बाद यच से हुमायूं, और ए से अकबर, और आई से जहांगीर, बता रहे हैं इनको। ये बताएं, देखो ए से अकबर हुआ, आई से जहांगीर, तो आप सोचेंगे कि जहांगीर कैसे, इसमें गीर याद कर लेना, ठीक है, जी गीर, तो इस आई से जहांगीर, ओके। और यस से शाहजहां, यस से शाहजहां हो गया। और उसके बाद ए से औरंगजेब, और ए से औरंगजेब हो गया, ठीक है। और बी से बहादुर शाह जफर, देखो भाई साहब, BHAI भाई और साहब, ये अच्छे से याद हो जाएगा ना, भाई साहब आसान भी है। और देखो, तो भाई साहब बी से बाबर, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में, ठीक है। और मुगल साम्राज्य के बारे में एक बार हम अच्छे से पढ़ाए हुए थे बाबर के बारे में, और वो मेरे चैनल पे है उसका वीडियो। और वैसे, और मैं इसके बाद का शासन, मुगल साम्राज्य का शासनकाल, मतलब मुगल बाबर के बाद कौन आया था, तो बाबर के बाद हुमायूं, फिर ए से अकबर, फिर अकबर, आई से जहांगीर, और यस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब, और फिर बी से बहादुर शाह जफर। आसान है ना भाई साहब, ऐसे ही, मतलब और बहुत सारी ट्रिक है, अच्छा लगेगा तो हम और सारी ट्रिक लेके आएंगे, बताएंगे, ठीक है। और हाँ, आप चलो, ठीक है, यही था आज का ट्रिक, मुगल साम्राज्य का शासनकाल, इसका भाई साहब आसान है याद करने में, भाई साहब पूछा जाता है ना कई बार, एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे लगाने को दे देता है, कौन सा पहले आया था, फिर बाद में ऐसे ऐसे लगाना रहता है, तो हम भी कई बार लगाए हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं। भाई साहब, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, और फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में, 1526, और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, और फिर 1526 में पानीपत का युद्ध भी हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, 1526, और फिर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और 1556, 1526, 1556 और 1761,
1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। बाय, आज का ट्रिक यही इतना है और कल हम दूसरे ट्रिक देखेंगे, ओके। और हाँ, ये जो उसका रेलवे का जो रीजनिंग है ना, वो भी हम अच्छे से पूरा देख लेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। उसमें 30 नंबर की रीजनिंग नहीं आई, रीजनिंग आती है और वो हम पढ़ा देंगे पूरा, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान होती है। तो बाय, और सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। चलो, थैंक यू सो मच। आज की ट्रिक इतनी ही थी और कल दूसरी ट्रिक लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, और कल रीजनिंग का भी क्लास आएगा, ओके बाय। हमारे रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, चलते हैं।